एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा के विनोद तावड़े से दिल्ली में पशुपति कुमार पारस की मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में क्या बात हुई है, आइए हम अपने सहयोगी आशुतोष मिश्रा से जानते हैं जो खबर क्या है। आशुतोष जी। बिल्कुल, ये थोड़ी देर पहले का डेवलपमेंट है पाठक जी। जी बीजेपी ने पशुपति पारस से संपर्क किया था। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जी चिराग पासवान के चाचा हैं, रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं। फिलहाल जी हाजीपुर से सांसद हैं और उनकी पार्टी में उनके अलावा चार और सांसद हैं, जिनमें से एक वीणा देवी फिलहाल चिराग पासवान के साथ नजर आ रही हैं। अब रही बात की मुलाकात, बात के पीछे का मकसद क्या है, तो बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है, पेच फंसा हुआ है और इसी पेच को सुलझाने के लिए लगातार बीजेपी के तमाम नेता लगे हुए हैं और अपने घटक दल से वन टू वन बातचीत कर रहे हैं। पिछले दिनों संजय जायसवाल एक बार नहीं, तीन तीन बार उपेंद्र कुशवाहा से मिलने गए थे। नित्यानंद राय ने जीतन राम मांझी से मुलाकात की थी। जेपी नड्डा ने चिराग पासवान से बात की थी। और अब खबर है कि विनोद तावड़े ने, जो कि बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं, उन्होंने कल ही पशुपति पारस से मुलाकात की है, बात की है। इस बातचीत में, मुलाकात में जो बातें छनकर सामने आ रही है अंदर से दिल्ली के सूत्रों से, वो यही है कि विनोद तावड़े ने सबसे पहले पेशकश की पशुपति पारस के सामने में कि आप और भतीजे, यानी आप और चिराग पासवान दोनों एक हो जाइए, तब हम लोग के लिए सहूलियत होगी और हम लोग आपको उतनी सीटें दे देंगे जितनी सीटें 2019 में आप लोगों को ऑफर की गई थी या दी गई थी, या जितनी सीटें आप लोगों ने 2019 में जीती थी, लेकिन आपको एक होना पड़ेगा। इस पर फौरन, मतलब उनकी बात खत्म हुई नहीं कि पशुपति पारस ने अपना जवाब भी दे दिया, साफ साफ कह दिया कि दल भी टूट चुका है, दिल भी टूट चुका है, परिवार भी टूट चुका है। ऐसे में अब एक होने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि भाई हाजीपुर सीट पर आप क्या है, क्योंकि चिराग पासवान का भी दावा है। तब उन्होंने कहा कि हाजीपुर से मैं सांसद हूँ, तो इसमें कहना क्या है, हाजीपुर सीट हमारी है, सिटिंग गेटिंगो का फॉर्मूला होता है, तो हाजीपुर ही नहीं बल्कि बाकी पांच सांसद भी हमारे हैं और हम सब लोग एक साथ हैं, तो हमारा दावा उन सारी सीटों पर बनता है जहां पर फिलहाल हमारे सांसद हैं। हालांकि वीणा देवी के बारे में जरूर विनोद तावड़े ने कहा कि वो तो चिराग पासवान के साथ नजर आ रही हैं। तब उन्होंने कहा कि हाँ, वीणा देवी पर हम नहीं ज्यादा आपको ये करेंगे, लेकिन चार हमारे सिटिंग सांसद हैं, मेरी सीट हाजीपुर है। दोनों को लेकर काफी देर तक मंथन हुआ, विनोद तावड़े की तरफ से कोशिश हुई चीजों को सुलझाया जाए, लेकिन पशुपति पारस हाजीपुर सीट पर अड़े हुए हैं। हाजीपुर सीट ही नहीं, अपने बाकी सांसदों को भी एक बार फिर से एनडीए के तहत चुनाव लड़ाने पर भी उन्होंने बात की है। और आपको याद होगा कि अब से दो तीन दिन पहले भी मंगल पांडे, जो कि पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं, फिलहाल विधान परिषद में तीसरी बार रिपीट हो रहे हैं और बिहार सरकार में भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं में उनका नाम जाना जाता है, वो भी मध्यस्थता करने में लगे हुए हैं। और उन्होंने भी अब से दो तीन दिन पहले पशुपति पारस से मुलाकात की थी। दोनों के बीच में भी करीब करीब यही सारी बातें हुई थी। इससे उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हो या विनोद तावड़े को हो अवगत करा दिया था। उसके बाद तब विनोद तावड़े ने खुद ये बीड़ा उठाया और खुद उन्होंने बात करने की सोची और तब उन्होंने पशुपति पारस से संपर्क साधा, बुलाया, उनसे बातचीत हुई। कुल मिलाकर के चीजें सुलझाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अब बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कभी भी सीटों की घोषणा हो सकती है, उससे पहले या उससे बाद में, ठीक बाद में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी संभव है। इसीलिए बीजेपी के तमाम जो भी सहयोगी दल है उनसे बातचीत करके बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व कोशिश कर रहे हैं कि सबसे डील फाइनल हो जाए। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, उपेंद्र कुशवाहा को भी राजी कर लिया गया है, जीतन राम मांझी भी तैयार है, मुकेश सहनी, चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में अभी भी बातें वार्ता चल रही है, पेच फंसा हुआ है,
चीजें उलझी हुई है, और जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं होता है तब तक जो बीजेपी की दूसरी लिस्ट जो सामने आने की बात कही जा रही है उनमें बिहार को टच नहीं किया जाएगा। ये भी हमारे पास सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि बिहार की सीटों का अभी बंटवारा या बिहार के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी नहीं करने जा रही है। हालांकि कल केंद्रीय चुनाव समिति की जो बीजेपी की बैठक हुई है, मोदी प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा सहित तमाम लोग बैठे थे, उन लोगों के बीच में बातचीत हुई है। तो सिर्फ अपनी सीटों को लेकर जो 17 सिटिंग सांसद है बिहार में उनको लेकर बातचीत हुई है, लेकिन उसके बारे में भी संशय की स्थिति है कि जब तक घटक दल को सीटें न बांट दी जाए तब तक अपने सीटों का अनाउंसमेंट करना भी मुनासिब नहीं होगा। इसीलिए दूसरी लिस्ट भी जो जारी होने वाली है उसमें बीजेपी बिहार के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं करने वाली है, क्योंकि इन सब चीजों से सीटों की अदला बदली की बात भी चल रही है जो चीज प्रभावित हो सकती है। और नीतीश कुमार भी नाराज बताए जा रहे हैं चिराग पासवान के दिए गए साहेबगंज में भाषण को लेकर, और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता है चंदन कनुका, तो ये तक दावा है कि उन्होंने उस भाषण का ऑडियो वीडियो मंगवाया है कि उन्होंने किस तरीके से चिराग पासवान ने गठबंधन धर्म का उल्लंघन किया है। तो नीतीश कुमार भी चिराग पासवान की बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से शिकायत करने वाले हैं। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व भी चिराग पासवान को खोना नहीं चाहते हैं, नीतीश कुमार की अहमियत को खत्म होने देना नहीं चाहते हैं। ऐसे में बीच का रास्ता निकालना है। पशुपति पारस भी उनके सबसे ईमानदार साथी हैं, जब चिराग पासवान भी सोच के चले गए थे तब भी वो थे। इसीलिए सबको साथ लेकर के मंशा है बीजेपी के चलने की। देखते हैं वक्त आने पर क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या सारांश होता है, क्या इस कहानी का जो इतने सारे ट्विस्ट आ रहे हैं उसका क्लाइमेक्स कहां पर जाकर खत्म होता है। पाठक जी, जी तो बिहार के एनडीए में उलझी हुई तारों को सुलझाने का प्रयास चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।